लिया हो ना फिर इसको फिर जो बने रोटी साला मुर्दा उठ के खड़ा हो गया। ऐसे हमारा फिर क्या हाल चाल है आप सभी का, मैं बहुत ही बढ़िया होपफुली आप सब बेच होंगे। सो गाइस देख रहे हो किचन में ही शुरुआत हो गई है आजकल ब्लॉग की, और अभी मैं बनाने जा रहा हूँ मटर पनीर की सब्जी। पनीर काट रहा हूँ और आटा गूंद लिया और अब सब्जी भी मसाला भून चुका है। एक साथ के सारे काम कर रहा हूँ, इस साइड मसाला भून रहा हूँ, इस साइड रोटी बना रहा हूँ। सो मल्टी टास्किंग चल रही है आज क्योंकि जल्दी बहुत ज़्यादा भूख लगी है, जल्दी जल्दी बनाते हैं। तो पनीर काट लिया। सो गाइस खाना बन के रेडी हो चुका है, दिखाता हूँ सब्जी कितनी मस्त लग रही है देखने में ही, हम खाते हैं जल्दी से। सब्जी गाइस बहुत ज़्यादा स्पाइसी और चटपटी बनी है, मैंने टेस्ट करके देख लिया, अब सीधे चलते हैं खाते हैं, बहुत तेज भूख लग रही है। सो गाइस खाना पीना बना के डन हो चुका है और अब खाना खाने के लिए बैठ गया हूँ। मटर पनीर की सब्जी और रोटी। सो रोटी जब से मम्मी गई है तो अब रोटी बना रहा हूँ जाके, क्योंकि रोटी बनाने में काफ़ी दिक्कत होती थी, लेकिन मैंने सोचा रोज़ रोज़ चावल नहीं खाने चाहिए इसलिए रोटी बना ली, उसे कभी कभी रोटी ही बनाएंगे। सो गाइस 4 बज चुके हैं, पता नहीं विक्की कब तक आएगा, विक्की आने वाला था। सो गाइस टाइम हो रहा है शाम के 6:30 और बैकग्राउंड म्यूजिक सुनो, ये शाम का हमारा फिक्स चीज़ है। जब घर में पापा मम्मी थे तब भी यही चलता था, हनुमान चालीसा सामने, और अभी भी यही चल रहा है। सो धार्मिक सामने बजाना चाहिए मेरे को। भाई अभी तक तो विक्की नहीं आया, विक्की को कॉल करा तो विक्की कह रहा भाई आ रहा हूँ, कपड़े वपड़े पहन के बस सो गया था, तो आ जाएगा। और खाना बन ही रखा है, सब्जी बस रोटी बनानी है, आटा भी गूंदा हुआ है दिन का ही, ज़्यादा गूंद रखा था तो बस रोटी बनानी है। सो गाइस बदतमीजी की हद देखो, रात के बज चुके हैं 9:05 और अब जाके विक्की आया। मैं सोचा था विक्की आएगा अब शूट करूँगा अब शूट करूँगा, और ये देखो अब अंधेरे में मत कर। बहुत ज्यादा ट्रैफिक था ना वो ऑफिस टाइम में ना मैंने। अच्छा मतलब कि 6 बजे से ये ट्रैफिक में था 9 बजे तक। तो गाइस खाने से पहले विक्की बना रहा है हमारे लिए चाय पीते और कुछ खाएगा बिस्किट यहाँ तो उसने सारे बिस्किट देख लिए, वो सारे बिस्किट खा जाएगा। yes. अबे नहीं यार भाई एक ही खाइए यार प्लीज। सो गाइस विक्की चाय लेकर आ गए, अब खाते हैं चाय बिस्किट। दो पैकेट क्यों लाए, मैंने तो सोचा था एक में चाय। शिट तो खा लेंगे अभी नहीं, शिट दो पैकेट खर्च हो गए। तरीका देखो साले अधेड़ उम्र का घोड़ा हो गया ऐसे खाता है। शिट दोस्त के सामने पकड़ा गया। तो गाइस अभी एकदम से इंस्टेंट प्लान बन चुका है, हमें और उनकी जा रही है थोड़ा बाइक से गेड़ी मारने, चलते हैं लेट्स गो। अबे हेलमेट मत ले लियो भाई, से हेलमेट भी ले रहा था यहीं पास में जा रहे हैं। वैसे हेलमेट आप लोगों को हमेशा पहनना चाहिए सेफ्टी रीजंस। चप्पल तो दे, चप्पल क्यों, जूता पहनो। तो गाइस यहीं गए थे थोड़ा सा धूम फोर। तो गाइस अभी अंडे पैक करवा रहे हैं, घर जाकर अंडे खाएंगे उसके बाद ही खाना खाएंगे, वैसे ही भूख तो लग नहीं रही। भाई भी हमारे सब्सक्राइबर है हमारी चैनल। सो गाइस कमाल की चीज़ पता लगी, अभी घर आए थे और रोटी बना रहे थे, विक्की कह रहा तसला का है, मैंने बोला तसला तो बेलन को तसला कह रहा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, समझे हो। तो भाई आज विक्की रोटी बनाएगा, देखते हैं परफेक्ट बनाता है कि नहीं, इसको हम सिखाते हैं। तो गाइस रोटी मुझे ही बनानी पड़ेगी क्योंकि इसने अभी एक चीज़ प्रूफ कर दी, ये कह रहा है भाई ऐसे ना, मतलब ऐसे बेलना है ना, तो उससे पता लगता है इसको कितनी बेहतरीन तरीके से रोटी बनाने आती है। सो मैं ही बनाता हूँ रोटी, तू देख। तो गाइस ये एकदम था वाली रोटी बनाने वाला है, बिल्कुल परफेक्ट था। गाइस अगर रोटी बनाने नहीं आती
तो हमसे सीखो जरा। पहले इसकी गोल गोल पूड़िया बनाएं, फिर इसको आटा लगाएं, फिर जो बने रोटी साला मुर्दा उठ के खड़ा हो जाए। अगर उसको नहीं आता तो बोलो मैं उसे सिखाऊंगा। तो देख सकते हैं इसकी रोटी तैयार हो गई। तो भाई देख सकते हो हमारी रोटी रोटी एकदम फुल के ठा हो चुकी है। रोटी बनाना हो तो हम सीखो जरा। ये होती है परफेक्ट रोटी। सो भाई रोटी बन के रेडी हो चुकी है, अब निकालते हैं खाना और खाते हैं। सो गाइस खाना पीना डन हो चुका है और आज का काफ़ी छोटा ब्लॉग बना, कुछ चीज़ें दिखा नहीं पाया आपको। बाहर भी निकला था, हेलमेट लेके नहीं गया, नहीं तो हेलमेट लगा सकता था। चलो कोई नहीं, कल के ब्लॉग में दिखाऊंगा आपको। होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक बनाए, सब्सक्राइब में चैनल। और देखो वो अभी भी खाने में लगा हुआ है, बहुत धीरे धीरे खाते देख के, काफ़ी धीरे धीरे खाते है गाइस। आधे घंटे से खा रहा है। कमी तो है तुम्हारे घर, तभी तो है तुम्हारे पास, ना छोड़ो कभी हमारा साथ, कभी ना